बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट इस बीफ निहारी को हम तैयार करेंगे और बनकर बहुत ही ये मज़ेदार लगती है, तो बगैर स्किप किए वीडियो को देखिएगा एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीफ निहारी बनाने के लिए यहाँ पर बीफ मैंने ले लिया है 1 किलो, और इसमें हड्डी वाला और बगैर हड्डी के दोनों तरह का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले गोश्त को हमने भूनना है, तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, इसमें 1/2 कप हम ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम गोश्त डाल देंगे। आप तेज़ आंच पे गोश्त को हमने भूनना है, तो इसी तरह गोश्त को हम भूनने देंगे। झटपट से इसको हमने तैयार करना है, तो साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने एक पैन रख दिया और उसमें 1 कप ऑयल डाला था और 2 अदद कटी हुई प्याज डाल के हमने प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड, निहारी में ऑयल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किए। तो ये प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया, इसको मैंने निकाल लिए। अब इसी ऑयल में 2 खाने के चम्मच मैं पिसा हुआ लहसुन और अदरक डाल रही हूँ, और तकरीबन 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी हम भून लेंगे। तो अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो गई है, लहसुन अदरक हमारा अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ले लिए। इसके अलावा हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ खुश धनिया, और 1/4 चाय का चम्मच हमें टॉटरी चाहिए। तो अब हम ये तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड, जितने मसाले मैं आपको बता रही हूँ, इन तमाम मसालों को पीस के आप एक बॉटल में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं, तो जब भी आपने निहारी तैयार करनी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मसाले भी इसमें हम डालेंगे, तो अगर पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम साथ लगाएंगे। आप जो तली हुई प्याज थी उसको मैंने क्रश कर लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छा भुन रहा है, तो कुछ और मसाले भी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स ले लिए, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 6 से 7 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी मोटी इलायची, 10 से 15 अदद साबुत काली मिर्च, 1 अदद बादियान का फूल, और 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ले लिए। इन सब को अच्छी तरह पीस के इनका पाउडर तैयार कर लिए, ये अब हम डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने आंच हल्की कर देनी है, और 1 कप इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ। आंच हल्की करके हमने दही का इस्तेमाल करना है, अगर तेज़ आंच होगी तो इससे दही फट जाएगा। तो हल्की आँच करके हमने इसमें दही डालना है, और इस तरीके से 1 से 2 मिनट इसको भी हमने भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार आज की निहारी तैयार होने वाली है, तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। तो जो कुकर में हमने गोश्त रखा था वो भी अच्छी तरह भुन चुका है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इस मसाले को कुकर के अंदर डाल देंगे, गोश्त और मसाले को भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, तो तकरीबन 8 से 9 कप इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना पानी मैं इसमें डाल रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो तकरीबन 9 कप पानी मैंने डाल दिए, अब हम इसको 20 मिनट के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पर एक बाउल मैंने ले लिया और इसमें 1 कप हम आटा डाल देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करना है, सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड, तकरीबन 1 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है, और देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये आटे का गोल हमारा रेडी हो चुका है। अब जो गोश्त हमने पकने के लिए रखा था वो हम चेक कर लेते हैं, शक्ल तो बहुत ही इसकी मज़ेदार आई है। इसमें से ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल निकाल लेंगे, उसको बाद में हम शामिल करेंगे। अब जो आटे का गोल है वो हम इसमें डालेंगे, और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
दोबारा से इसकी आंच जो है वो मैंने चला दी थी, और अब हमने आंच जो है वो हल्की रखनी है। ये देखिए साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, जैसे हम इसको डालेंगे ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब फिर मज़ीद हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए इसको हमने पकने देना है, और मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि देखें कितना गोश्त परफेक्ट गला हुआ है। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए, इसको कवर करके मैंने रख दिया था। ये परफेक्ट सी हमारी निहारी तैयार हो गई है। अब जो ऑयल हमने निकाल के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और इस ज़बरदस्त सी निहारी को अब हम डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ, और हरी मिर्च और कटे हुए अदरक से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और फ्रेंड गरम गरम चपाती और नान के साथ ये निहारी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो देखा आप लोगों ने कैसे झटपट से इसको हमने तैयार कर लिया है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आज की ज़बरदस्त सी और हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद आराम।